मुसावली के बच्चे आज आपके सामने नाटक लेकर उपस्थित हुई हैं। हमारे नाटक सोशल मीडिया पर है, दैनिक जीवन में आधुनिक तकनीक देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। सर को पहले थोड़ी सी आवाज तेज कर दो। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मामा मामा, मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मामा, आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मामा मामा, समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा, मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मामा। बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ।
नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, रातां दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे और मंजिल हसे। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, क्या हुआ बेटा क्या हुआ, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5,000 एफबी फ्रेंड होंगे लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है, अभी उसे अपने पन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं, भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है, दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफों को स्टेटस बना देते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में।